मैं वादा करता हूँ अपने हाथ से गला काटूंगा उसको। हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब जानवर बिल्कुल तबाही तबाही मचा रहा है। कल सॉलिड 3 दिन कंप्लीट करके आज चौथे दिन पे एंट्री मार ली है और जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिल रही है। फर्स्ट संडे इस तरीके से जाएगा एनिमल के नाम, भाई सोचा नहीं था, क्योंकि जवान एक ऐसी मूवी थी जो संडे पे इतनी ह्यूज कलेक्शन करी है। देन आफ्टर उसके पठान है, देन उसके बाद लियो है, भाई एनिमल ने भी फाड़ डाला है। ए सर्टिफिकेट मूवी है, ए रेटिंग की मूवी है, एडल्ट कंटेंट, फैमिली कंटेंट नहीं है, बावजूद इसके जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। सभी चीज़ों पर बात करेंगे, कल कैसा क्या कलेक्शन रहा है, उससे पहले परसों तक मतलब पहले 2 दिन में कितनी इसने कलेक्शन कर ली है, कितना आंकड़ा अपने खाते में रख लिया है, आज के रुझान कैसे हैं, Day 4 पे कैसी एडवांस बुकिंग चल रही है, मतलब फर्स्ट मंडे वर्किंग डे है और इस वर्किंग डे का इम्पैक्ट इस पर कितना पड़ रहा है, क्या कमाई में ग्रोथ डाउन नजर आ रही है, जो भी होगा सब देखेंगे एक करके। लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे पहले 2 दिन का कलेक्शन बताऊंगा, फर्स्ट डे एंड सेकंड डे। परसों रात खत्म होते होते पहले 2 दिन में सिर्फ हिंदी से 113 करोड़ 12 लाख का कलेक्शन कर चुकी थी। साउथ बेल्ट से 17 करोड़ 95 लाख आ चुका था, ओवरसीज से 80 करोड़ 80 लाख एंड पूरी दुनिया से 236 करोड़ परसों एंड ऑफ द डे तक पहले 2 दिन में ये मूवी कवर अप कर चुकी थी। बात करें कल Day 3 यानी फर्स्ट संडे कैसी ग्रोथ रही है, भाई तबाही देखने को मिली है। मॉर्निंग से ही जो रेस्पॉन्स मिला है इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से, पॉजिटिव रिव्यू तो मिले ही मिले। वॉकिंग ऑडियंस ने जो काम किया, क्योंकि कल को एडवांस बुकिंग देखें तो उतनी कोई सॉलिड नहीं थी, अराउंड 35 करोड़ थी, बट जो वॉकिंग ऑडियंस गई है थिएटर में जाके, जो ऑन द स्पॉट बुकिंग हुई है, उसके जो कलेक्शन आए हैं, भाई सारी प्रिडिक्शंस गलत हो गई हैं। लोग सोच रहे थे कि इतना कलेक्शन आएगा, लेकिन उससे कहीं कहीं गुना 8 से 10 करोड़ बेहतर ही आ रहा है, उससे ज़्यादा ही आ रहा है। रिपोर्ट फ्लेक्सिबल है, अर्ली एस्टिमेट, लेकिन ज़बरदस्त है। लगभग में लगभग ओवरऑल 75 से 78% की ऑक्यूपेंसी पर मॉर्निंग टू इवनिंग टू नाइट तक ये मूवी जबरदस्त रन करी है, सॉलिड ग्रोथ है। सामने सैम बहादुर मूवी चल रही है, विकी कौशल की फाड़ मूवी है, वो भी बावजूद इसके एनिमल एक तरफा कलेक्शन कर रही है और जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। तो सिर्फ हिंदी से अर्ली एस्टिमेट 64 करोड़ का आता दिख रहा है और साउथ बेल्ट से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इनको मिलाकर 8 करोड़ का कलेक्शन आते नजर आ रहा है। और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन ऑल लैंग्वेज को मिला के, इंक्लूडिंग हिंदी एंड साउथ बेल्ट की जितनी भी लैंग्वेज में ये मूवी डब्ड वर्जन में रिलीज हुई है, उन सबको मिलाकर कल आया है 72 करोड़। भाई ह्यूज ह्यूज ग्रोथ है। पठान को बराबर टक्कर दे रही है, जवान को टक्कर नहीं दे पा रही है, लेकिन पठान को जबरदस्त टक्कर दे रही है भाई साहब। लेकिन ये चीज़ बड़े नोट करके रखना कि ये मूवी ए सर्टिफिकेट है, एडल्ट कंटेंट है, कोई भी फैमिली ऑडियंस नहीं जा रही है, सिर्फ यंगस्टर्स जा रहे हैं वो मूवी, तो उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा ह्यूज ग्रोथ देखने को मिल रही है। Gadar 2 में क्या था, Gadar 2 में फुल फैमिली पब्लिक गई थी, परिवार के साथ लोग गए थे उस मूवी को देखने के लिए, लेकिन इस मूवी को परिवार के साथ सिंगल ऑडियंस देख रही है और बावजूद इसके जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। ग्रॉस कलेक्शन बनेगा कल एंड ऑफ द डे तक 85 करोड़, ओवरसीज से कल बहुत फाड़ कलेक्शन आई है, लगभग में लगभग 44 से 45 करोड़ बाहर की दुनिया से ये मूवी कमाते नजर आ रही है, जिसमें USA एंड ऑस्ट्रेलिया में एंड UK में ह्यूज रेस्पॉन्स मिल रहा है, जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। और पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 130 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रख रही है। भाई 130 करोड़ कमाना कोई मामूली बात नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी का भाई किसी की जान की लाइफ टाइम कलेक्शन थी 120 करोड़। इस मूवी ने कल एक ही दिन में सिंगल डे में ह्यूज ग्रोथ करी है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन Day 3 का इजी अराउंड समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 130 करोड़ आते नजर आ रहे हैं। अर्ली एस्टिमेट है, फ्लेक्सीबल है रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट जब आएगी कल Day 3 की तो हु नोज ये आंकड़ा 135 करोड़ भी जाएगा, लेकिन 130 करोड़ से नीचे बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो कल एंड ऑफ द डे तक यानी पहले 3 दिन में ये मूवी कितना कलेक्शन कर लेगी, फिर हिंदी से 177 करोड़ कर लेगी टोटल पहले 3 दिन में, साउथ बेल्ट से 26 करोड़ आ जाएगा इसके खाते में एंड ऑफ द डे तक, एंड नेट इंडिया से 202 करोड़ 57 लाख का कलेक्शन आते नजर आ रहा है। पहले 3 दिन में ही 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मारना कोई मामूली बात, ओवरसीज से 125 करोड़ टोटल हो चुका है, 100 करोड़ के क्रम में एंट्री मार ली है मात्र 3 दिन में ही बाहरी दुनिया से। सिर्फ इंडिया में जीत का डंका नहीं फहरा रहा है, सिर्फ इंडिया में सेलिब्रेशन नहीं चल रहा है भाई, बाहर भी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं इस मूवी को, रणवीर कपूर को बहुत प्यार मिल रहा है बाहर की दुनिया से भी।
पूरी दुनिया से यह मूवी 366 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले तीन दिन का है। भाई सॉलिड ग्रोथ है, पहले तीन दिन में ही 300 करोड़ के क्लब में एंट्री मारना, मतलब हर दिन 100 करोड़ की EMIs भरी जा रही है इस मूवी को कवर अप करने के लिए। आज का कलेक्शन देखते हैं, आज का डे 4 मतलब फर्स्ट मंडे, भाई वर्किंग डे स्टार्ट हो चुके हैं, वर्किंग डे में हर कोई फिल्म पिटती है, इसके क्या हाल है देखा जाएगा। तो अभी आज मतलब फर्स्ट वर्किंग डे में मतलब इसकी पहली अग्नि परीक्षा कैसी है उस पर एक नजर मारते हैं। आज एडवांस बुकिंग सॉलिड हुई है, डबल डिजिट में ही एडवांस बुकिंग हुई है। वॉकिंग ऑडियंस अलग काम करेगी, ऑन द स्पॉट जो थिएटर जाके लोग बुक करेंगे वो अलग काम करेंगे। 11 करोड़ 19 लाख की सिर्फ एडवांस बुकिंग इसने अपने खाते में ले ली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी से 10 करोड़ आते नजर आ रहा है। रेस्ट ऑफ द बुकिंग साउथ बेल्ट से हो रही है। तो आज का अर्ली एस्टिमेट कितना है भाई साहब? मुद्दे की बात पर आते हैं कि ठीक है आज वर्किंग डे है, आज अग्नि परीक्षा है इसकी, तो आज ये क्या कमाल करेगी? क्रिटिक्स मतलब हेटर्स की नज़र है कि भाई आज देखते हैं वर्किंग डे मतलब फर्स्ट मंडे पे जैसी आएगी, जहां हमें ग्रोथ डाउन दिखी वहीं से हम इसको ट्रॉल करना शुरू कर देंगे और यस गिद्ध की नज़र लगाए बैठे बड़े हेटर्स और जरूर करेंगे। लेकिन वर्किंग डे होने के बावजूद ये मूवी डबल डिजिट में काम कर रही है, 35 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट आ रहा है सिर्फ नेट इंडिया से, जिसमें सिर्फ हिंदी से 30 से 31 करोड़ अपने खाते में नजर ला रही है। बहुत ऑसम ग्रोथ है। और इस से लगभग में लगभग आज डे 4 पर 18 करोड़ आते नजर आ रहा है। तो पूरी दुनिया से मूवी कितना कलेक्शन कर लेगी ओवरसीज एंड नेट इंडियन कलेक्शन, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन को मिलाकर 58 से 60 करोड़ आज एंड ऑफ द डे तक ये मूवी कवर अप करते नजर आ रही है। अपने फर्स्ट मंडे में वर्किंग डे होने के बावजूद भी 50 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन अपने खाते में ले रही है। इट मीन्स ये कि कंटेंट इज द सुपर किंग भाई, पब्लिक इसे प्यार दे रही है, पब्लिक को मालूम है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कंटेंट और वो लोग देख रहे हैं। मेरा मानना है कि 700 करोड़ तो इजी ठोक के जाएगी। आप लोगों की कह रहा है क्या ये मूवी 700 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़ या 1000 करोड़ कहां पर जाके स्टैंड करेगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट में जो बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।